नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल पटेल, डायरेक्टर ऑफ सॉफ्टामो एजुकेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, फिर से आपका एक बार स्वागत करता हूँ सॉफ्टामो की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर। हर बार की तरह इस बार भी कुछ अलग विषय के साथ आपके सामने उपस्थित होने जा रहे हैं। आज का यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है वो एक वर्ल्ड रैंक यूनिवर्सिटी है जो रशिया की, उसके बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। यूनिवर्सिटी का नाम है कजान फेडरल मेडिकल यूनिवर्सिटी। लेकिन ये वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप सबसे निवेदन है, अगर आपने ये चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आने वाले दूसरे वीडियो के भी आपको बेनिफिट मिल पाए। तो चलिए दोस्तों बात शुरू करते हैं कजान फेडरल मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में। रशिया की कुछ टॉप रैंक यूनिवर्सिटी है, उसमें से एक यूनिवर्सिटी माना जाता है कजान फेडरल मेडिकल यूनिवर्सिटी को, जो कि वर्ल्ड रैंक में भी आती है। अगर टाइम्स के रैंक के हिसाब से देखेंगे तो करीबन 370 के आसपास का रैंक है। अगर 4 ICU की बात करेंगे तो करीबन 450 के आसपास का रैंकिंग है उसका, जो कि काफी ही बेटर रैंकिंग आप बोल सकते हो यहाँ पे। और वो रैंक को बरकरार रखते हुए यूनिवर्सिटी ने कुछ ठोस कदम उठाए थे कोरोना कंडीशन के अंदर। एक तो है, जिस टाइम पे कोरोना कंडीशन शुरू हुआ था उसी टाइम पे जो बच्चे वहाँ पे फंस गए थे और लॉकडाउन कंडीशन चल रही थी हर एक कंट्री के अंदर, रशिया में भी लॉकडाउन था, और उस कंडीशन के अंदर यूनिवर्सिटी की ओर से राशन पानी की चीजें या फिर वेजिटेबल्स, ये सब चीजें टीचरों के द्वारा हर एक बच्चे को पर्सनली प्रोवाइड किया गया है। उसके अलावा जैसे ही वैक्सीनेशन शुरू हुआ है ड्राइव, तो हर एक स्टूडेंट को ट्राई किया गया है कि वहाँ पे स्पुतनिक जो वैक्सीनेशन है रशिया की वो लगा दी जाए, और ऑलमोस्ट हर एक स्टूडेंट को दे दी गई है आज की डेट में। अगर हम लोग यहाँ पे एडमिशन की बात करेंगे 2021 इंटेक के हिसाब से, तो वहाँ पे टोटल 80 सीट्स का इंटेक कैपेसिटी है फॉर द इंटरनेशनल स्टूडेंट, जिसके अंदर इंडियन स्टूडेंट का भी अलॉटमेंट होगा और इंटरनेशनल स्टूडेंट का भी अलॉटमेंट किया जाएगा। तो ये सीटें सिर्फ और सिर्फ इंडियन स्टूडेंट के नहीं लिए नहीं है, ये चीजें ध्यान रखनी खास आवश्यक है आपको। और यहाँ पे जो एडमिशन प्रोसेस होगा वो बकायदा एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू किया जाएगा, जिसके अंदर केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का एंड इंग्लिश का, ये तीन सब्जेक्ट का एग्जाम लिया जाता है, जो कि उनके वेब पोर्टल के ऊपर स्टूडेंट को देना पड़ता है। 3 दिन का शेड्यूल होता है और एक रिजर्व डे दिया जाता है, और 3 दिन का जो शेड्यूल होता है उसके दौरान आप किसी भी टाइम पे वो एग्जाम दे सकते हैं। और अगर ये इस एग्जाम के बेस पे अगर सिलेक्शन क्राइटेरिया की हम लोग बात करेंगे, तो इस साल जो फ्लो मिल रहा है स्टूडेंट का, वो फ्लो की बदौलत हम एक चीज यहाँ पे एज्यूम कर सकते हैं कि इस साल में भी शायद यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम के मार्क्स को दिया जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट कजान में एडमिशन लेना चाहता है, उससे मेरा अनुरोध है कि वो ज्यादा से ज्यादा ट्राई करे, जितने मार्क्स अचीव कर सकते हैं एंट्रेंस एग्जाम में उतने लाने के लिए प्रयत्न करे। हर एक सब्जेक्ट का जो एग्जाम रहेगा वो कम्प्लीटली 100 मार्क्स का एक एक सब्जेक्ट का एग्जाम होता है, जिसके अंदर 50% मार्क्स जो लाना होता है बायोलॉजी और केमिस्ट्री में होता है, और इंग्लिश के अंदर 40% मार्क्स लाना होता है, और ओवरऑल जो मार्क्स है जो क्वालिफाइड होने के लिए वो 180 मार्क्स का यूनिवर्सिटी का रिक्वायरमेंट रहता है। तो ये रिजल्ट एक क्वालिफाइड रिजल्ट है, लेकिन ट्राई करें उससे बेहतर रिजल्ट ला दे। उसके अलावा लास्ट ईयर जो बच्चे, कई सारे लोग एग्जाम में क्वालिफाइड हो गए थे लेकिन एडमिशन नहीं ले पाए थे, तो कहां कहां पे अटका था उनका काम, तो एक तो कई स्टूडेंट का पासपोर्ट रेडी नहीं था, कई स्टूडेंट के दूसरे कुछ डॉक्यूमेंट्स के अंदर कुछ ना कुछ दिक्कत आ रही थी, और उसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स फीस ऑन टाइम पे करने के लिए कैपेबल नहीं थे। तो इस बार अगर कजान में आकर एडमिशन के लिए सोच रहे हो, तो सबसे पहला आपका पासपोर्ट ना हो तो पासपोर्ट बनवा के रख ले, उसके अलावा फीस का प्रिपरेशन अभी से करके रखे ताकि जब एग्जाम कंप्लीट हो जाए, रिजल्ट आ जाए, और उसके बाद अगर आपका एग्रीमेंट साइन होता है तो इमीडिएटली आप यूनिवर्सिटी के अकाउंट में वो फीस ट्रांसफर कर पाए। और उसके अलावा बाकी के जो जो डॉक्यूमेंट्स है आपके, अगर नेटिव लैंग्वेज में अवेलेबल है तो उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन या अपोस्टाइल जो भी करवाना है वो करके रख ले। तो ये बातें थी कुछ एडमिशन क्राइटेरिया के बारे में। दूसरे एक रूमर्स में भी शायद आपको सुनने को मिलेगा इन फ्यूचर, या फिर सुन भी रहोगे, कि कजान फेडरल के अंदर जो भी एग्जाम होता है वहाँ की, वो हर एक बच्चा उसको क्वालिफाइड नहीं कर पाता है। तो ये बात गलत नहीं है कुछ मायने में। अगर यहाँ पे हम लोग बात करेंगे तो यूनिवर्सिटी को अगर आप दिल्ली एम्स के साथ कंपेयर कर रहे हो, तो आपके लेवल के हिसाब से आपको एम्स नहीं मिल रहा है लेकिन उससे बेटर यूनिवर्सिटी मिल रहा है, या फिर उसके पैरेलल भी अगर आप उसको काउंट करते हो, तो फिर वो यूनिवर्सिटी के अंदर आपको जो पढ़ाई का लेवल है उससे 2 गुना ज्यादा मेहनत या तो 3 गुना ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके आप क्वालिफाइड कर पाओगे। एंड दूसरी एक बात, मेडिकल एजुकेशन इट्स नॉट अ इजी टास्क फॉर एवरीवन। सो अगर आपके अंदर डॉक्टर बनने का जुनून है, जज्बा है और एक ड्रीम है जो आपको फुलफिल करना है, तो ही आप यहाँ पे इस टाइप की फेडरल यूनिवर्सिटी या फिर दूसरी कोई भी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेने के बारे में सोचे। अगर पढ़ाई के मामले में आप सीरियस नहीं है तो मेरा एडवाइस है, आप अब्रॉड एजुकेशन तो नहीं, इंडियन एजुकेशन के लिए भी कैपेबल नहीं होने वाले। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, शायद आपको ये वीडियो मेरा आज का पसंद आया होगा, पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले, अगर हम लाइक ना किया हो तो लाइक जरूर से कर ले, उसके अलावा ये चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब जरूर से कर ले, एवं अगर कोई भी डाउट्स है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप दिए गए नंबर के ऊपर कॉल कर सकते हैं, और कोई भी आपको मेल करना है तो दिए गए मेल आईडी के ऊपर मेल भी कर सकते हैं। उसके अलावा यूट्यूब चैनल के ऊपर हमारा कमेंट सेक्शन अवेलेबल है, जहां पे जाके आप कमेंट भी कर सकते हैं, एवं चैट सेक्शन पे जाके चैट भी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद, टेक केयर।